मैं ये पार्टी मना के आया। हाँ तुलम पढ़ो इतनी बुरी ठोकी है एक ट्रक वाले ने। तो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ किस बनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका नया साल बहुत ज़्यादा सुखद रहे। मोगेम्बो भी विश कर रहा है, मोगेम्बो हैप्पी न्यू ईयर यार। उम्मीद करता हूँ आपकी सारी विशेज पूरी हो, आपके जो गोल्स आपने सेट किए हैं वो पूरे हो। व्लॉग मुझे वैसे तो कल बनाना चाहिए था क्योंकि कायदे से 31st कल ही थी, पर आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो आउट फॉर पार्टिंग। कहीं बहुत सारे जगहों से मेरे को पासेस मिले थे और विदाउट आशा न्यू ईयर सेलिब्रेशन इनकम्प्लीट होता, तो इस वजह से मैं किसी क्लब में नहीं गया। एंड वी डिसाइडेड के हम लोग घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे अपने 2022 की आखिरी रात को। तिल्ली लगा दी और सुबह उठ के मैंने सोचा वाह ऐसी होनी चाहिए साल की शुरुआत। बिना देर गवाए मुद्दे की बात पर आते हैं, जैसा भी मनाओ बन गया। और आशा ने सजेस्ट किया कि न्यू ईयर का फर्स्ट डे हमें किसी मंदिर जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए, मंदिर में जाकर थोक देना चाहिए हमें नए साल के पहले दिन। तो वैसे तो हम लोगों ने झारखंड महादेव जाने का प्लान किया था, पर हम आशा ने ही मना कर दिया झारखंड महादेव जाने के लिए क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हम लोग पास में ही पाल के हनुमान जी हैं, काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड मंदिर है। तो पहले तो पाल के हनुमान जी जाएंगे। देर इज़ अ मच नीडेड हेयर इमरजेंसी, हेयर कट भी लेना है, बैंग ऑन सेक्सी हेयर कट लेना है मेरे को 2023 के लिए। टेल मी हाउ यू लाइक माई शेड्स। मैंने आशा ने मेरे को शेड्स ला के दिए, शी कीप्स ऑन बाइंग मी स्टफ सो दैट आई से ऑल द गुड थिंग्स अबाउट हर। अरे आशा ये आशा इसका देख रहा है, ये पार्टी बना के आया, ये पार्टी बना के आया। हां तुलम पढ़ो हां करनी मेरे को अब से क्यों बात नहीं करनी और क्या बातें बोलते हो मेरे बारे में आज तो अभी ला के दिए। अरे नहीं जो आ रहा है वो भी कैंसिल कर दूंगी आपको ऐसा लगता है। तो आशा आ गई है, विराजमान है अपनी कुर्सी पर। आपने मेरे पिछले अवतार के रिव्यू व्लॉग में देखा होगा, आशा थी नहीं तो उसी वजह से उस वीडियो को इतने कम व्यूज आए थे। बिना देर गवाए अब मैं आपसे मिलूंगा पाल के हनुमान जी की एंट्री पे। बहुत शानदार मंदिर है, चलो आपको दिखाते हैं। घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी, इतनी बुरी ठोकी है एक ट्रक वाले ने। खड़ी खड़ी गाड़ी मतलब पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, इतनी बुरी ढंग से ठोकी है, बजा रखी है उड़ता हुआ तीर रॉकेट। जोक सपाट हम लोग आ गए हैं मंदिर। ये रहा मेरे पीछे मंदिर, आपको दिख रहा होगा। प्रसाद ले लेते हैं पहले तो, और आगे की गतिविधि हम लोग आगे चल के ही डिसाइड करेंगे। की आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर से हो रही है कि मेरा वॉइस ओवरलैप हो रहा है। काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी पीसफुल मंदिर है। अभी मैं और आशा परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर स्टेज भी सेट हुआ हुआ है। अगर आपको अपने न्यू ईयर पे एक ताबड़तोड़ पार्टी करनी हो बजा के, तो आप यहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। वॉल्स भी आप देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। क्या हुआ, दो करनी थी क्या? दो करते हैं, दो करते हैं।
मौसी की भगवान के भक्त लोग हैं, हमें पता ही नहीं कि दो बार परिक्रमा करनी होती है। भैरव जी महाराज की जय। मैंने फर्स्ट टाइम भैरव जी महाराज की एक्चुअल मूर्ति देखी है। आई थिंक भैरव जी के बारे में आशा मुझे ज़्यादा बता पाएगी। उनके कुल देवता हैं आई थिंक भैरव जी, तो भैरव जी के बारे में ज़्यादा ज्ञान मुझे आशा से मिल सकता है। आशा, तो भैरव जी की यहाँ पे वो थी मूर्ति, तो आपके हैं क्या भैरव जी? ये भैरव जी तो सबके ही हैं, आपके वो कुल देवता है क्या? मंदिर आई थिंक 2/3 हमने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट हमें हमारे प्यारे शंभू भगवान के आशीर्वाद लेने हैं, उसके बाद हम लोग अपनी आगे की जर्नी डिसाइड करेंगे। पानी मेरे ऊपर जाए या ईश्वर पे जाए, कमी होना चाहिए बचा बचा के। हमारी न्यू ईयर की घंटी बन गई है, बज गई है, अब हम लोग जा रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर सैलॉन। तो यार ये थे हमारे पाल के हनुमान जी, अब हम जा रहे हैं हेयर कट लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ मेरा हेयर कट आपको पसंद आएगा, मिलते हैं हेयर कट के बाद। कैसा लग रहा है मेरा नया हेयर कट? अपन हो गए एकदम बाल मुकुंद ब्रह्मचारी RDX। मैं आशा को कहना चाहता था कि यार मैंने इंस्पिरेशन तो उससे ली थी, वो अभी अपना इमरान खान है ना आशा, वो आमिर खान का भांजा है ना, पाकिस्तान का पीएम तो बोलूंगा नहीं, एक भूतपूर्व पीएम तो इमरान खान के भांजे जो ईरा खान की उसमें दिखे थे मटरू की, उससे इंस्पायर होके मैंने हेयर कट कराया था, पर आशा ने तो फजीती कर दी, आती मेरे को RDX बोल दिया। इतना अच्छा नाम है, इतना अच्छा RDX। अभी हम जिंदा हैं। कैसा लगा आशा हेयर कट? गुंडे लग रहे हो। गुंडा लग रहा हो? डाकू मंगल सिंह एक्स आका RDX। मतलब इमरान खान तो दिमाग में ही नहीं आया है इसके, सीधे RDX। पसंद है यार गुंडे लोग ऐसे नहीं, नहीं विलेनियस हरकतें अपने हो गए वारे न्यारे। नया साल, नया हेयर कट, नई अपनी हमारी आशा, मेरा हची घर पे इंतजार कर रहा है। उसका मन एकदम व्याकुल हो जाता है जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ उसके बिना आशा को लेकर निकलते हो तब ज्यादा। तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी एक राउंड कटा लाऊं, पर फिर आशा बैठेगी नहीं गाड़ी में, उसका हेयर शेड थोड़ा मेरे से ज़्यादा होता है, खुदा ना खास्ता किस दिन मेरे बाल झड़ने लग गए तो ये मेरे को भी मना कर देगी या घर में। मेरी और आशा की तरफ से आप सबको वी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023, आपके लिए बहुत अच्छा रहे और हमारे लिए भी ठीक ठाक हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।